हेलो गाइज, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ऑफिस 365। अगर आपने डेवलपर से ये इनेबल किया होगा, यानी कि जो भी आपका एक्सेल वर्जन है उसको आपने अपग्रेड किया ऑफिस 365 में, कैसे, माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर की मदद से, तो उसका सब्सक्रिप्शन पैक यानी कि वैलिडिटी रिमेनिंग पैक कब तक है वो जान सकते हैं। ठीक है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन में ये अकाउंट है मेरा। ठीक है, यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर आप जब भी क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको सिर्फ सब्सक्रिप्शन के बारे में बताएगा, कंप्लीट डिटेल, जो जो आपने प्रोडक्ट ले रखे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन बताएगा। ठीक है, लेकिन कब तक वैलिड है वो नहीं बताएगा, वही मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इस वीडियो से, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। इसके रिगार्डिंग मैंने काफी महीने पहले एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने कंप्लीट बताया था कि आप ऑफिस 10 यूज करते हैं, 13 यूज करते हैं या 7 यूज करते हैं या बिलो वर्जन, कैसे आप ऑफिस 365 में अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऊपर आई बटन से भी आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। ठीक है, आपने करना क्या है, स्टार्ट पे जाना है, यहां पर राइट क्लिक करना है और विंडो पावर सेल एडमिन पे क्लिक करना है, देन ओके क्लिक करना है। ये देखिएगा, विंडो ओपन हो गई। जैसे कि आपको मैं बताना चाहूंगा, नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए शिफ्ट की प्रेस कीजिएगा, देन होल्ड, देन इंटर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे आप चले गए। ये देखिए नोट पैड है, यहां पर जाइए, एक काम कर लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिएगा और यहां पर पेस्ट कर लीजिए, कंट्रोल वी देन इंटर। ठीक है, जैसे इंटर हिट करते हैं आप ये देखिएगा एक विंडो आपके सामने डिस्प्ले होगी। वेट करते हैं, ये देखिए विंडो डिस्प्ले होगा। यहां पर आपको ईमेल आईडी टाइप करनी होगी और ईमेल आईडी आपको याद होगी, जब आप ये क्रिएट अकाउंट क्रिएट करते हैं वहां पर आपने जो ईमेल आईडी दी है वो आपको यहाँ पर टाइप करनी होगी। नहीं, अगर आपको ईमेल आईडी याद नहीं है तो मैं बता दूं कहाँ से मिलेगी आपको। ठीक है, ऐसे आप अकाउंट में आते हैं इस पेज में, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, ईमेल आईडी, ये है आपकी ईमेल आईडी। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं, कॉपी करता हूँ, कॉपी कर लिया मैंने और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, ये देखिए इंटर पासवर्ड, यहाँ पर आपको वही पासवर्ड देना है जो आपने अकाउंट क्रिएट करते वक्त दिया। इसीलिए उस वीडियो को अगर आप देखते हैं वहां पर मैंने बताया होगा जो पासवर्ड होगा वो 15 डिजिट का होगा। ठीक है, वो आपको याद करके रखना है। ठीक है, मैं पासवर्ड टाइप करता हूं, पासवर्ड आपने टाइप किया, साइन इन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, जैसे आप साइन इन पे क्लिक करते हैं ये देखिएगा, अब ये जो विंडो पॉपअप आ रहा है आपके सामने ये तभी आएगा अगर आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन है। अब वो एप्लीकेशन है ऑथेंटिकेटर, एप्लीकेशन का नाम क्या है, ऑथेंटिकेटर। ठीक है, वहां पर कह रहा है कि आपको टाइप करना होगा 68। ठीक है, मैं काम करता हूँ, मोबाइल में जाता हूँ अपने और ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। ठीक है, और वहां पर जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है 68 आपको टाइप करना होगा, ओके करना होगा, यानी कि वहां से आपने अप्रूवल दे दिया, यानी कि वो डिवाइस और आपका मोबाइल कनेक्टेड हो गए। ठीक है, अगर आपके मोबाइल में वाला एप्लीकेशन नहीं है तो आपकी ये वाला पॉपअप नहीं आएगा। ठीक है, इतना आपने कर दिया। अब देखिएगा सेकेंड विंडो, ठीक है, नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए शिफ्ट की प्रेस कीजिएगा, देन होल्ड, देन इंटर। ठीक है, अब यहां पर आपने एक कोड टाइप करना है, ये नोट पैड है, यहां पर जाना आपने, कंट्रोल सी कॉपी, यहां पर आइए और पेस्ट कर दीजिएगा, देन इंटर। जैसे आप इंटर हिट करते हैं यहां आप देखिए डेट क्रिएटेड 25/2 और नेक्स्ट लाइफ साइकिल डेट 22/10, यानी कि मैंने जब ये ऑफिस का पैक लिया था वो है 25 फरवरी को। ठीक है, कब तक वैलिड है, 22 अक्टूबर तक। ठीक है, और जो कोड मैंने कॉपी किए हैं, अगर आपको ये वाली जो फाइल है उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको टाइप नहीं करना होगा, वहां पर आप इजिली कॉपी कर सकते हैं, देन यहां पर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। ये वीडियो जो हो सके वो काफी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में।